हेलो राम राम जी। आज मैं आप सबने हमारा घर दिखाऊंगी सारा, और अपनी सारी फैमिली तक मिलाऊंगी, मम्मी पापा जितने भी फैमिली मेंबर हैं सब तक मिलाऊंगी। क्योंकि आज मैं हमारे गाँव में, जो हमारा गाँव है डोर डोर खराना खराना डोर है, और सारा घर दिखाऊंगी। हमारा जो न्यू बेबी हुई है उसने भी मिल उसते भी मिलवाऊंगी, सब तक मिलवाऊंगी। पहले एक बार घर दिखाऊँ, ठीक है? देखो सड़क पे है हमारा घर, बाहर देखो बाहर सड़क है, ये गली है अंदर। यो नीचे पहले हमने गाय रखे कर दे, इब नहीं रखते हैं, पहले रखे कर दे तो यहाँ बंदे करे थे। और नीचे यो हमारे ना मतलब पुराने हैं, ये भी तो जब मम पहला उन्हें रही कर दे, हमारा नया घर को नहीं बना था, और नीचे रही कर दे मम। देखो पूरा हमारे साधन सुधन खड़ा, मोटरसाइकिल स्कूटी जो कुछ भी है खड़ा दिया मम। इब मैं थाने लेकर जाऊँ ऊपर ऊपर रहा मम। 5-6 साल हो गए, मतलब 5-6 साल तक भी ज़्यादा हो गए हमारा घर पड़े ने, तो मैं बाप सपना ऊपर लेकर जाऊँ। देखो ये कलम प्रोग्राम है, मतलब मेरी बाबी का जो सुठन है कुआ पूजन कहते हैं जिसने, उसकी तैयारी करके है। देखो यहाँ तक दिखाऊंगी, मैं आपने लेकर जाऊं रूम में। ये रूम है जो गेस्ट रूम भी है, पर इसमें ना मेरे पापा सोए रहे यहाँ पे। मैं देखो जानवी बेटे क्या कर रहे हैं पुत्र, यहाँ दे। और वो बाहर है जो बाहर गैलरी है, और गैलरी का सामने ही बिल्कुल शिव जी का मंदिर है। हमारे पड़ोसी है चाचा ताऊ। देख लो देखो बाहर खेत सारे, वापस अंदर ये रूम है, इसमें मेरे पापा रह रहा है, मेरे पापा का जी लगा इस रूम में। मैं बाहर लेकर जाऊं, देखो ये अंदर वॉशरूम है, ये बाहर मशीन वगैरह सब लगा दिए हुए। और ये रूम है मेरी बाबी का, ये रूम ना गर्म है तो ज़्यादा इसमें मेरी बाबी शिफ्ट करके है हमने, तो ठंड नहीं लगा। ये रूम मेरी बाबी का है, भाई बाबी का। देखो छोटी काकी ने मिलाऊं वंशिका, दिखाइए की कर रहे मेरे पुत्र, की कर रहे बेटे? ये मेरा पुत्र है, वंशिका नाम रखा हमने इसका। और ये हमारा रूम है, एक रूम यूरिया एक पहला दिखाया था, और यो है रसोई घर। फिर रसोई घर का मेरी माँ बहुत ध्यान रखा है, एक बिड़ंगा नहीं खंडन देंदी। देखो सारी सजावट मेरी माँ की करी हुई है। यू मारा घर है सारा, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, देसी से सिंपल से बंदे हैं। देखो एक सब्जियां कल वास्ते ले रही हमने, कल ना गेस्ट आवेंगे और भी बहुत सारे और हो जाएंगे। और ये मैं दिखाऊंगा आपने हमारा पूजा घर, जिसमें हम पूजा करेंगे। देखो हमारे सारे देवी देवते हैं, सवेरे उठ कर मेरे पापा पूजा करेंगे। देखो जी मैं थमने वहाँ नज़ारा दिखाऊंगी बाहर का। हम गांव में नहीं रहते, गांव का अंदर तो मेरे चाचे ताऊ रहे हैं, और गांव तक बाहर रहे हूँ मम खेता में। मैं थमने वहाँ नज़ारा दिखाऊंगी जो जिसमें मतलब बहुत जी लागा हमारा, उधर खेता में घर है। और हमारा जो मैंने वाला रूम दिखाया गैलरी वाला, उसका सामने तो शिव जी का मंदिर है,
और जो यू इसका इसकी बैक साइड में दिखाऊं था ना शमशान घाट, तो बहुत नज़दीक लगा शमशान घाट हमारे घर का बहुत। और खेत भी देखो आपने, मैं दिखाऊं बैक का जी। और ये शमशान घाट, डरने डरने की कोई बात नहीं है, यू भी देवता का ही घर है, शिव जी भगवान पधारा है यहाँ पे। वो देखो जी, ये हमारे पड़ोसी हैं, और वो देखो बागड़ी रवा यहाँ पे कई साल है, 5-6 साल हो गए यहीं पर रवा बागड़ी, हमारा गांव में ही। देखो पूरा नजारा, खेता में हमारा घर। इस साइड पेड़ ही पेड़ है सारे। ये तो जो आपको ये दिख रहा है ना, ये पीर बाबा की मजार थी यहाँ पे। और फिर अब ना इसको मतलब ये जो हुआ था, इस हनुमान जी का मंदिर बना दिया यहाँ पे। सड़क और ही देखो सामने, देखो जी शमशान घाट, देखो बहुत नजदीक है हमारा शमशान घाट। इब आपने हमारा सारा घर देख लिया, और थोड़ी देर बाद मैं अपनी फैमिली से मिलाऊंगी सब ते पहला मैं अपने घर के मेरे पापा से शुरुआत करना चाहूँ, क्योंकि घर में सब तक बड़े हैं तो आए नहीं मेरे पापा अभी तक। थोड़ी देर में आप देखिए वीडियो में, ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।